हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल पे, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारे एक यूट्यूबर ने कमेंट करके मुझसे कुछ पूछा है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो एक साथ सबको रिप्लाई करना मुश्किल होती है। तो मैंने धीरे धीरे, मैं ऊपर से नीचे की तरफ आता हूँ, तो मेरे पास एक विष्णु भारद्वाज जी ने मुझसे सवाल पूछा है कि अगर हम चाहते हैं कि नेक्स्ट डे होने पर हमारी सीट ऑटोमेटिकली लॉक हो जाए, ये कैसे कर सकते हैं। चलिए, इसी से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट हम आपका करते हैं, जिसमें विष्णु जी का भी हो जाएगा और कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। जैसे मेरे पास एक फाइल है, जिसमें एक वेलकम नाम का सीट हम बाय डिफॉल्ट, क्योंकि एक सीट तो होना ही चाहिए ना, वेलकम नाम का सीट हमने बना दिया। अब इसमें क्या है कि हमें इसमें करना है, कि जैसे फाइल हम ओपन करें, आज की डेट की फाइल दे दे और उससे पहले की डेट अप की फाइल जितने भी है वो ऑटोमेटिकली लॉक कर दे। जैसे कि मान लीजिए ये फाइल 25/12 की है, 25/12 की है, तो जैसे मैं फाइल, जैसे ही फाइल को खोलूं, खोलते ही मुझे 26/12 की एक सीट दे दे, 26/12 की सीट दे दे, और ये 25/12 वाली जो सीट है वो उसको लॉक कर दे। मतलब कि जो आज की डेट है उसी डेट की सीट ओपन होनी चाहिए, बाकी सीट लॉक हो जानी चाहिए। तो डेवलपर में आते हैं, या अल्ट एफ 11 प्रेस कीजिए, विजुअल सी पे क्लिक करने से आपका वीवीए प्रोग्रामिंग खुल जाएगा और आपको दिस वर्कबुक पे कोड करना है, दिस वर्कबुक, और यहाँ सेलेक्ट करना है वर्कबुक और यहाँ ओपन। बहुत ही मजेदार टॉपिक होने वाली है, आप लोग वीडियो के साथ बने रहें। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की पूरी माने वीडियो चाहिए तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पूरी सिक्वेंसली कोर्स चाहिए तो मेरा ऐप डाउनलोड कर लें, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि यहां लिखेंगे फोर लगाएंगे, कि फोर आई इक्वल टू चले 1 to शीट्स डॉट काउंट, और फिर यहां पे हम कर देते हैं नेक्स्ट आई, और कंडीशन देते हैं कि इफ शीट्स आई डॉट नेम, इज नॉट इक्वल टू वेल काउंट, वेलकम सीट को प्रोटेक्ट नहीं करना है, देन शीट्स आई डॉट प्रोटेक्ट, पासवर्ड में हम 1 to कर देते हैं, और यहां पे हम देते हैं शीट्स। अब यहां पे डेट बनाना है, तो डेट के लिए हम यहां पे चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि फाइल कई बार ओपन हो, तो यहाँ पे हम देते हैं डी इक्वल टू डे, डे में हम देते हैं डेट, फिर एम इक्वल टू मंथ, इसमें डालते हैं डेट, ये वेरिएबल, एंड वाई इक्वल टू ईयर, और इसमें हम डालते हैं डेट, और यहाँ पे 2021। हाँ, तो यहाँ पे हम करते हैं शीट्स, यहां पे डी डैश एम डैश वाई, अच्छा स्पेस देना होगा इसमें, यहाँ पे
डॉट एक्टिवेट एक्टिवेट। अब यहां पे एरर आएगा क्योंकि मान लीजिए कि फर्स्ट ऑपरेट करेंगे आज की सीट ना बनी होगी, तो इसमें एरर आएगा, तो यहां पे हम देंगे ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, और फिर कंडीशन देंगे इफ ई आर आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कोई एरर आया है, देन शीट्स को ऐड करें, शीट्स डॉट ऐड डॉट सबसे लास्ट में ऐड करना, शीट डॉट ऐड आफ्टर शीट्स, और इसमें शीट्स डॉट काउंट, और उसके बाद एक्टिव सीट डॉट नेम इक्वल टू, और यहां पे ये जो हमने दिया हुआ यही डालेगा, और यहां पे एंड इफ और ई आर इक्वल टू जीरो, परफेक्ट हो चुका है। अब फाइल को हम सेव करते हैं, सेव करने के बाद मान लीजिए कि जो 25/12 कल वाली फाइल है उसको रहने देते हैं और इसको क्लोज करते हैं, और फिर हम यहाँ EX1 वाले फाइल को डबल क्लिक करके हम ओपन करते हैं, कंट्रोल विदाउट नेक्स्ट आई, सॉरी यहाँ पे हमने एंड इफ नहीं लगाया था, छोटी सी दिक्कत हो गई थी यहाँ पे, एंड 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 इफ, बाकी सब ठीक है, स्टॉप करते हैं, चलते हैं, राइट कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा माइक्रो चला नहीं, सेव करते हैं, उसके बाद इसको ओपन करते हैं। छब्बीस बारह आया हुआ है यहां, अब किया हुआ है, अब इसमें इसने इसको लॉक कर दिया क्योंकि 26/12 जो है आज का डेट था, हमें इसको 25/12 करना चाहिए था, 25/12, और इसको हम यहां से अनलॉक कर देते हैं, अनप्रोटेक्ट पासवर्ड डाल देते हैं, विजुअल बेसिक पे आते हैं, सीट डॉट काउंट, इसमें पुट वेलकम, और यहां पे हमें और करना है, और में ये जो हमने शीट नेम दिया हुआ है ना यहाँ पे, यहाँ पे अब देंगे शीट्स आई डॉट नेम इक्वल टू डॉट, इसमें हमें सीट नेम देने की जरूरत नहीं है, यहाँ हटा देते हैं इसको, कमांड कर देते हैं, अब सही रहेगा, अब इसको क्लोज करके एक बार ओपन करते हैं, सेव कर देता हूँ, सॉरी नॉट इक्वल टू करना था ना, नॉट इक्वल टू 26, तो यहां पे हमने सीट यहां पे लिखा इफ एरर इज नॉट इक्वल टू जीरो देन सीट, मतलब कि जैसे कि क्या होगा कि यहां
जब दोबारा फाइल ओपन करेंगे हम, तो हो सकता है कि एक ही दिन कई बार फाइल ओपन करें, तो चेक कर लेगा कि आज की सीट ऐड है या नहीं है। तो ये सीट डॉट एक्टिवेट करेगा तो आज की सीट पे चला जाएगा। आज के सीट पे चला गया मतलब कि एरर नहीं आया, और एरर का पे जो रिजल्ट है वो मतलब जीरो रहेगा। तो हमने यहाँ पे दिया कि नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि कोई एरर आया है, मतलब कि एक कोड वर्क नहीं किया है। तो क्या करें, सीट डॉट एड डॉट नेम इक्वल टू हमने ये डाला, लेकिन जो सीट ऐड हुई है ना वो करेंट मतलब कि वो सबसे लास्ट में नहीं होगी। तो मुझे यहाँ क्या करना है कि यहाँ पे शीट्स और शीट में हमने ये जो नेम है इस नेम को मैं यहां रख लेता हूं और यहां देता हूं डॉट मूव। मूव कहां, तो यहां पे हम देते हैं आफ्टर, आफ्टर आफ्टर में हम ये जो सीट का नेम है वाली ये इसको कर देते हैं आफ्टर शीट्स। शीट्स में हम क्या करेंगे, शीट डॉट शीट्स डॉट काउंट डॉट काउंट सबसे लास्ट में मूव कर देगा। अब ये आपका परफेक्टली वर्क करेगा। मैं एक बार इसको क्लोज करता हूं और आज की जो सीट है उसको डिलीट कर देता हूं, इसको सेव करके हम इसको ओपन कर, ओपन करने के बाद exp1 को ओपन करते हैं। तो 25 तारीख की सीट देखिएगा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, देखिए 26 तारीख का सीट ऐड हो गया और 25 तारीख की सीट देखिए यहाँ पे प्रोटेक्टेड है, इस पे लॉक है, इस पे हम कुछ नहीं कर सकते, लॉक हाइड जो करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। और ओपन होते आज का खुल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए इस फाइल को मैं सेव कर देता हूं, मैं वापस ऑन करूंगा तो 26 तारीख अब नई फाइल ऐड नहीं होगी, नई सीट ऐड नहीं होगी। देखिए नई सीट ऐड नहीं हुई और सीट वन हमारा 26 तारीख प्रोटेक्टेड है, 26/12 प्रोटेक्ट हो गया है जबकि ये प्रोटेक्ट नहीं होना चाहिए था। तो यहां पे हम sheets dot name d-m-y और not equal to, अच्छा ये और हो गया ना, नॉट इक्वल टू वेलकम एंड, यहाँ पे एंड लगेगा तब दिक्कत नहीं होगी। एक कोड परफेक्टली रन करेगा, आप लोग इसको यूज कीजिए और किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो मुझे आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं और साथ में मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।